हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स ज़िंदगी पर। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारे इस चैनल पर यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2022 को लेकर जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन सभी के वीडियो बनाए जा रहे हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसका इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो बनाया जा चुका है। उसका वीडियो ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और साथ ही साथ उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, विद्युत विभव तथा धारिता, इसके जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें इस समय रिविजन करना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का यह वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्क्रीन के जो सामने हैं, चैप्टर का नाम लिखा हुआ है विद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसके जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक बहुत ही शानदार और बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा, जो स्टूडेंट के बीच में काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है, स्टूडेंट को काफ़ी पसंद आ रहा है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, या कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हो या जेई नीट से रिलेटेड हो, पढ़ाई में किसी भी प्रकार के दिक्कत का सॉल्यूशन है फिलो ऐप। आप अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर कर सकते हैं मात्र इन 3 इजी स्टेप्स में। सबसे पहले ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। आप इसमें अपने मोबाइल नंबर से साइन अप कर सकते हैं, रजिस्टर हो जाए। जो भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो उसका आप इसमें पिक्चर अपलोड कर लें या फिर टाइप करके इसमें सबमिट करें। फिलो आपको मात्र 60 सेकेंड्स में ही इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा। सो गाइज, इट्स वेरी सिंपल। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है, अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट? इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। हैव यू एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, जस्ट आस्क फिलो। इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो इस ऐप को खुद भी डाउनलोड करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, और जो भी डाउट्स हैं उसे मात्र 60 सेकेंड में क्लियर करें, वो आपके स्क्रीन के सामने है। इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमें इस समय से रिवाइज करते हुए चलना है, वह है आपका विद्युत विभव की परिभाषा, मात्रक एवं विमा। यानी कि आपको इसमें बताना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, उसका डेफिनेशन बताना है, उसका SI यूनिट लिखना है। यहाँ जब भी आपको मात्रक मिले तो आप ध्यान रहे हमेशा उसका SI मात्रक ही बताएंगे, और अगर CGS आपको याद है तो लिख दीजिए, मगर आपको अगर मात्रक लिखने को कहा जाए तो आप हमेशा उसका SI मात्रक ही लिखेंगे, और साथ ही साथ उसका डायमेंशन भी बताना है। तो सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है या फिर सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, तो उसमें आपको विद्युत विभव की परिभाषा, मात्रक एवं उसका विमीय सूत्र निकालना है, यानी डेफिनेशन, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सेकेंड जो क्वेश्चन है उसमें आपसे ये कहा गया है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करें, यानी कि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट। यानी कि किसी भी कोई पॉइंट चार्ज, मान लीजिए हम इसको स्मॉल क्यू कर ले रहे हैं, तो इस स्मॉल क्यू के कारण किसी भी पॉइंट पर आपको पता करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। ये डेरिवेशन है तो आपको यहाँ पे डिराइव करना होगा, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है V इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई आर, ये उसी फॉर्मूले का डेरिवेशन है, क्योंकि एक पॉइंट चार्ज के लिए जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला वही होता है, V इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई आर। तो इस क्वेश्चन में आपको उसी का डेरिवेशन पढ़ना है। थर्ड जो क्वेश्चन है इसमें आपसे कहा गया, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य तथा निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत विभव। अक्षीय को ही हम अनुदैर्ध्य भी कहते हैं और निरक्षीय को ही हम अनुप्रस्थ भी कहते हैं। तो कभी कभी हिंदी में निरक्षीय न लिख के अनुप्रस्थ लिख देता है, अक्षीय न लिख के अनुदैर्ध्य लिख देता है, तो आपको वहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है, ये दोनों एक ही हैं, और यहाँ पर निरक्षीय और अनुप्रस्थ भी एक ही हैं। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, तो यहाँ पर आपको किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय दोनों स्थितियाँ हैं,
दोनों स्थितियों पे आपको V का वैल्यू पता करना है, वैद्युत विभव का मान पता करना है। ये भी एक डेरिवेशन ही है जिसमें अच्छी के लिए आप करेंगे और साथ ही साथ निरच्छी के लिए भी करेंगे। निरच्छी के लिए तो वैल्यू जीरो आ जाता है, तो दोनों डिराइव करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन कोएक्सियल एंड इक्वाटोरियल कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे निकालना है, कौन कौन से सिचुएशन में, तो एक कोएक्सियल के लिए और एक इक्वाटोरियल के लिए। फोर्थ क्वेश्चन जो है, इसमें आपसे कहा गया है वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध का व्यंजक प्राप्त करें, यानी कि विभव प्रवणता। और ये आपको करना किसके लिए है, तो ये करना है एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए। आपको यहाँ E और V इन दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा E इज इक्वल टू dV बाई dr, तो इसी को हम नाम देते हैं विभव प्रवणता का। तो इसी को आपको डिराइव करना है एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए, क्योंकि जब डेरिवेशन करवाया जाता है तो उसमें एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए भी करवाया जाता है और असमान वैद्युत क्षेत्र के लिए भी करवाया जाता है, मगर उसमें से आपको जो रिवाइज करते चलना है वो कौन सा करना है, एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए। इसी E equal to dV by dr को हम नाम देते हैं विभव प्रवणता का, यानी कि आपको यहाँ रिलेशन निकालना है किसके किसके बीच में। एक्सप्रेशन फॉर रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। ये आपका भी जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। उसके बाद है फिफ्थ नंबर टॉपिक, यानी कि फाइव जो क्वेश्चन है वो है सम विभव पृष्ठ की परिभाषा एवं इसके गुणधर्म। यानी कि आपको इसमें बताना है कि सम विभव पृष्ठ क्या होता है और उसके गुणधर्म बताना है। उसके अंदर जितने भी तीन चार पॉइंट आते हैं वो सभी आपको यहाँ मेंशन करने हैं। तो इसका डेफिनेशन लिखना है और प्रॉपर्टीज बताना है किसका, इक्विपोटेंशियल सरफेस का, समविभव पृष्ठ का। उसके बाद सिक्स नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें ये कहा गया है कि तीन बिंदु आवेश के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। आपके पास कोई भी तीन बिंदु आवेश दे दिया, जैसे मान लीजिए एक आवेश क्यू वन हो गया, दूसरा क्यू टू हो गया और तीसरा क्यू थ्री हो गया। इन तीनों के कारण ये एक ट्रायंगल के फॉर्म में बनेगा, एक त्रिभुज के फॉर्म में आएगा। तो इन तीन ये तीनों आवेश जो हैं, इन तीनों आवेश के निकाय के कार आपको स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक लिखने आना चाहिए। स्थितिज ऊर्जा जिसको हम कैपिटल U से दर्शाते हैं, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 1/4πε0Q1Q2R। तो यही जो व्यंजक आप लिखते हैं ये सिर्फ दो बिंदु आवेश के लिए होता है, यहाँ पे हमें तीन बिंदु आवेश के लिए लिखना है। तो ये व्यंजक आपको लिखने आना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी फॉर थ्री पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट है यू इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा। आपको ये फॉर्मूला प्राप्त करना है यू इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा या फिर यू इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है। तो ये फॉर्मूले का आपने डेरिवेशन पढ़ा होगा, इस फॉर्मूले को आपको डिराइव करना है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू याद रखिएगा, ये आपको लिखना भी है। वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल के। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी का यूनिट है, तो इसीलिए इसको हम जूल में कन्वर्ट करने के लिए इस वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है धारिता की परिभाषा, मात्रक एवं विमीय सूत्र। आपको बताना है कि कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस का डेफिनेशन देना है, इसका SI यूनिट लिखना और साथ ही साथ इसका डायमेंशन भी फाइंड करना है। कैपेसिटेंस आपने पढ़ा है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, तो इसी का आपको SI यूनिट जो कि फेराड होता है वो लिखना है। और इसके फॉर्मूले की सहायता से आप विमीय सूत्र भी लिखेंगे। जब भी परिभाषाएं पूछी जाए तो उसका जो भी फॉर्मूला है वो आप जरूर मेंशन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि अभी जो है इस समय अभी यूपी बोर्ड के लिए एग्जाम का डेट तो फाइनल नहीं आया है, तो इस समय जो है हम मेन मेन टॉपिक्स क्या क्या आप इस समय से रिवाइज करते हुए चलेंगे उसके बारे में बताया जा रहा है। और जैसे ही टॉप में एग्जाम का डेट आ जाएगा उस समय आपको फिर से हर एक चैप्टर के अलग अलग वीडियोज मिलेंगे, जिसमें इस सभी टॉपिक्स में से भी जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे सिर्फ वो उस टाइम आपको रिवाइज करना होगा, वो रिवाइज करके आपको जाना होगा। मैं फिलहाल ये सभी रिवाइज करते हुए चलिए, जैसे ये हो गया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है, तो ये उस समय भी आपका मिलेगा। तो हम यहाँ इसका बात कर रहे हैं, ये डेरिवेशन है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, इसी को आपको यहाँ डिराइव करना रहता है। अगर डाइलेक्ट्रिक यहाँ लगा देते हैं तो यहाँ उसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट आ जाता है, C इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। उसके बाद है गोलीय संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। ये कभी कभी पूछा गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट में है मगर उतना नहीं पूछा जाता है, फिर भी इस समय
में आप इसको रिवाइज करते हुए चलिए, गोलीय संधारित्र की धारिता कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम में संयोजित संधारित्र की धारिताओं के लिए समतुल्य धारिता का सूत्र, फार्मूला फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। यहाँ पे जो संधारित्र हैं उनका जो पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन जो किया जाता है उसी का आपको फार्मूला याद रखना है, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं और कभी कभी इसका डेरिवेशन भी दिया गया है, पूछा गया है, तो आप डेरिवेशन और न्यूमेरिकल दोनों इस पर प्रैक्टिस करेंगे। फार्मूला क्या है, जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन का बात करते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इसमें 1/C करके आता है। जैसे मान लीजिए हम दो कैपेसिटर यूज कर रहे हैं तो उनके लिए हो जाएगा 1/C इज इक्वल टू 1/C1 + 1/C2। ये श्रेणी क्रम में आता है, ध्यान रहे कैपेसिटर वो है जिसमें श्रेणी क्रम में अपॉन में मिलता है, और जबकि पैरेलल में जब हम बात करते हैं तो ये आता है C1 + C2। अगर तीन लगा देंगे तो इसी में C3 ऐड कर देंगे, तो आप दो या तीन किसी का भी कर सकते हैं, तीन का करेंगे तो और अच्छा है। 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 ये आपका सीरीज के लिए आ जाएगा श्रेणी क्रम में, और ये आपका पैरेलल के लिए हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा तथा ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी एंड एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आपको ये बताना है कि समांतर प्लेट संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित होती है, यानी कि उसके पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताना है, और उसके साथ साथ उसका ऊर्जा घनत्व भी निकालना है। ये ऊर्जा घनत्व जो है ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये ऊर्जा घनत्व आप तभी अच्छे समझ पाएंगे जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल पाएंगे, तो इसलिए इन दोनों को एक साथ यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है आपका परावैद्युत की परिभाषा, यानी आपको बताना है कि डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है, और जब डाइइलेक्ट्रिक पढ़िएगा तो इसके प्रकार के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। उसके साथ साथ है परावैद्युत भंजन, इसी में आपको कई तरीके के हेडिंग्स बताए जाते हैं डाइइलेक्ट्रिक के अंदर। तो डाइइलेक्ट्रिक में एक हेडिंग जो बार बार रिपीट होता है वो है आपका डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, कि परावैद्युत भंजन क्या होता है। और लास्ट जो टॉपिक है, या फिर यूं कहा जाए कि लास्ट जो क्वेश्चन आपको पढ़ना है, वो है समांतर प्लेट संधारित्र में परावैद्युत का लाभ, इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जो हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इस पे जब हम डाइइलेक्ट्रिक नहीं मिलाते हैं तब हमारे पास फॉर्मूला आता है C = εo A/D, और अगर इसी के बीच में हमने डाइइलेक्ट्रिक कम्प्लीटली फिल्ड करके रख दिया तब इसी में हम K का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ आपको वही बताना है कि अगर हम किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समांतर प्लेट संधारित्र में डाइइलेक्ट्रिक को रख दें तो डाइइलेक्ट्रिक के रखने पर इस C के वैल्यू में क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी धारिता उसके कैपेसिटेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये सभी सेकेंड चैप्टर एनसीईआरटी का जो सेकेंड चैप्टर है उसके मेन क्वेश्चंस है, जिनको आपको अभी से रिवाइज करते हुए चलना है। आप अभी से ये सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए, और जैसे एग्जाम का टाइम और नज़दीक आ जाएगा तो इसमें भी जो मेन होगा वो उस टाइम आप रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एनसीईआरटी के थर्ड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे।